Assalamu alaikum dear students, today we are going to discuss the structure of alcohol, which is the third topic of 18th chapter according to smart syllabus. Alcohols are the derivatives of water and its structure is much closer to water. इधर मैंने अल्कोहल का एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रा किया है. अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है ये कोवेलेंट डिबॉन्डेड होता है हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के साथ. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट डिबॉन्डेड है अल्काइल ग्रुप के साथ यानी कार्बन के साथ और एक कोवेलेंट डिबॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ. रहते हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर रहते हैं. इधर अगर हम इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहे, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहे, तो हाइब्रिडाइजेशन का आप लोगों को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या स्टीरिक नंबर प्लस लोन पेयर या नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर, यानी मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं. तो 2+2 यानी दो उसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया. और कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो 2+2 क्या आ गया, 4. तो जब 4 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 होता है. क्या होता है, sp3. और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, यानी इस तरह होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. इसकी जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है. बॉन्ड एंगल, इधर जो बॉन्ड एंगल होता है अल्कोहल में वो 105 होता है, यानी स्लाइटली लेसर देन टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल का जो डिजायर्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है. लेकिन इधर क्या है, इधर 105 है, 105 है. ये डिक्रीज क्यों आया है, ये डिक्रीज लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आया है. लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये दो बॉन्ड इधर पुश हुए हैं, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, कम हो गया है. अब अगर हम शेप की बात कर ले, शेप की बात कर ले, तो शेप इसका किस तरह होगा, आर और ये ओ, ये H, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर. तो शेप में हम ये लोन पेयर जो है इसको कंसिडर नहीं करते, सिर्फ ये इसका शेप भी क्या रहता है, वी शेप रहता है, वी शेप रहता है, या एंगुलर शेप भी कह सकते हैं, या बेंड शेप भी कह सकते हैं, बेंड शेप भी कह सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि शेप में जो है उस लॉन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता. तो क्या रहता है, जब लॉन पेयर नहीं हम कंसिडर नहीं करते तो शेप किस तरह आता है इसका, वी शेप या एंगुलर या बॉन्ड शेप, बेंड शेप होता है. क्या होता है, बेंड शेप होता है इसका. और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड है ये sp3 कोरिलेटेड से बना है, यानी इसका भी sp3 और कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है. तो sp3 ओवरलैपिंग से बना है. और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये sp3 से बना है, यानी sp3 ऑक्सीजन का है और s ऑर्बिटल इसका है. और जब sp3 हो तो ये बॉन्ड थोड़ा इतना ज्यादा नहीं, इसके मुकाबले में थोड़ा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ये बॉन्ड ग्रेटर होगा, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर क्या है, कम है, और इसमें s कैरेक्टर ये मुकम्मल 100% इधर ये वाला जो है ये s है, ठीक है. तो इसमें s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इसमें ये बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा. और ये दोनों बॉन्ड जो है ये क्या भी होते हैं, ये पोलर होते हैं, ये पोलर होते हैं, ये भी होता है पोलर और ये भी पोलर होता है. ये क्यों, ड्यू टू द
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क है, इस वजह से ये बॉन्ड भी पोलर है और ये बॉन्ड भी पोलर है, दोनों बॉन्ड इसके जो है ये पोलर होते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।